जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। चलिए, थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, विक्रमजीत सर की क्लास चल रही थी इसी वजह से। तो आज मेरे भाई यहाँ पर हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस महाभारत बैच में, और इस टॉपिक का नाम जो है वो हमारा है एवरेज यानी औसत। और इसका सबसे ज्यादा आप लोगों को इंतजार था कि सर ये वो टॉपिक है जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा फंस रहे होते हैं, सबसे ज्यादा हम लोगों को दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, ये हमारे लिए थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट देखे थे और एक एक करके यहाँ पर जो है आप लोगों के कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, उसको रिप्लाई भी कर रहा होता हूँ यूट्यूब के वीडियोज़ को यहाँ पे। तो इसीलिए मेरे भाई आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं एवरेज, और इसके एक एक टाइप को हम समझेंगे कि कैसे पिछले 2-3 सालों में जो है एसएससी ने अपने किस तरीके से लेवल को बढ़ाया है या लेवल को गिराया है, या कौन कौन से नए टॉपिक को उन्होंने इंसर्ट किया हुआ है एवरेज के अंदर। तो ये सारी बातों को आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। हम आपको कंप्लीट एवरेज पढ़ा देंगे और मेरे भाई जितने भी शॉर्ट ट्रिक हो सकते हैं वो सारी की सारी बातें हम आपको बताएंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और जितनी बातें हम बताएंगे उसको पूरा का पूरा सीखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। साथ में एक और हमारा जो है ये मैथ्स का सीजल वैरियर, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। और अगर आप अगले कुछ दिनों में, जैसे मान लीजिए कि ये 100 दिन आपके पास बचे हैं या 2 महीने बचे हुए हैं, इन 2 महीनों में अगर आप सीजल और सीएचएसएल के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस किताब के अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इसे 2 महीने में निपटा सकते हैं। 1700-1800 से ऊपर हमारे क्वेश्चन हैं इसमें, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है। ये नहीं कि सी एच एस एल के भी क्वेश्चन डाल दिए और सी पी यू के भी क्वेश्चन डाल दिए, फालतू क्वेश्चन डाल दिए, नहीं, सिर्फ उतना जितना आपको करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने के बाद आपको इतना क्वेश्चन लगाना है और 60 दिनों में इस किताब को पूरा का पूरा कर लेना है, बस मेरे भाई इतना काफ़ी है, ठीक है। ये किताब आप अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से दोनों जगह से ऑर्डर कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके एक एक चीज़ आप पढ़ेंगे, उसके बाद देख लीजिएगा आपको जो ऑर्डर करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये किताब आपको मंगानी चाहिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए आइए तो औसत की शुरुआत करते हैं। सबसे चलिए तो सबसे पहले औसत की शुरुआत करते हैं और औसत की परिभाषा को समझते हैं मेरे भाई कि औसत की परिभाषा क्या है। जैसे मान लो ऐसे कि हमारी जो है 3 लोगों से मैं कोई पैसा, मान लीजिए कि 3 लोग हैं यहाँ पे, किसी से मैंने 5 रुपए लिए, किसी से मैंने 10 रुपए लिए, किसी से मैंने 15 रुपए लिए, और तीनों को पैसे को लेके मैं अपने जेब में रख लेता हूँ, मेरे पास टोटल कितने हो जाते हैं, 5 + 10 + 15 यानी 30 रुपए हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इस 30 रुपए को मैं तीनों में बराबर में बांट देता हूँ, पहले को भी 10, दूसरे को भी 10 और तीसरे को भी 10। तो जो मैंने सब में बराबर में बांटा ना, वही हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। यानी अगर हम बात करें दोस्त यहाँ पे, तो जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, तो अगर हम यहाँ देखें तो एवरेज का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हमारा ये हो जाता है कि एवरेज बराबर यानी औसत, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एवरेज यानी कितना हो जाएगा, औसत, और ये औसत हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब जैसे मानो 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये तीनों, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर टोटल नंबर, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर हो जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि औसत का सबसे मेन काम जो रहता है वो रहता है चीज़ों को मेरे भाई बैलेंस करना। क्या रहता है मेरे भाई यहाँ पर, चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक है, ठीक है। तो चीज़ों को क्या होता है, बैलेंस करना। जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, फटाफट हर जगह पे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा, अच्छा एक और चीज़, एवरेज को निकालने का हमारा एक बेसिक तरीका भी है और हमारा स्मार्ट अप्रोच भी है। मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊँगा कि कैसे मेरे भाई आप सवालों को बहुत शॉर्ट में कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि किसी के पास, हमारे पास 87 रुपीज़ है, किसी के पास 88 रुपीज़ है मान लो, और किसी के पास हमारा 89 है, समझ गए यहाँ पे, किसी के पास हमारा 90 हो गया, किसी के पास हमारा जो है, ये बहुत आसान डेटा हो गया, मैं थोड़ा सा कुछ आपको डिफरेंट डेटा दे रहा हूँ। मान लो किसी के पास 20 है, किसी के पास 40 है, किसी के पास 30 हो गया मेरे भाई, किसी के पास 70 हो गया, और किसी के पास यहाँ 60 हो गया, और मैंने कहा इन सब का औसत बताओ कि इन सब का जो औसत होगा, जो हमारा एवरेज होगा, वो कितना होगा।
तो सबसे पहली बात अगर हम बेसिक से जाएंगे जो बचपन में हम जाते थे, तो मेथड नंबर वन अप्लाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, तो एवरेज हो गया हमारे सम और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा नंबर। यहाँ पे सम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा नंबर। अब अगर हम सम की बात करते हैं तो सम की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सबका सम निकालो ज़रा। तो बोलोगे सर 20 प्लस हमारा 40 प्लस हमारा 30 प्लस हमारा 70 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 60 और डिवाइडेड बाई ऑल नंबर, टोटल मिलाकर कितने लोग हैं, तो 5 लोग हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 70 और 30 हमारा 100 हो गया, 60 और 20 हमारा 100 हो गया, ये 200 हो गए, और 200 प्लस 20 हमारा कितना हो गया 220 बटे 5, यानी हमारा कुल मिलाकर 44 हमारा औसत आ जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 44 हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमने कौन से तरीके से निकाला है, तो बोलोगे सर ये आपका बेसिक तरीका है। क्या पेपर में से सिलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला मेरे भाई। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये मेथड से सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर इस मेथड से सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर आपको जो लगाना होगा वो लगाना होगा वेटेड एवरेज का कंसेप्ट। क्या लगाना होगा ये बात बताइए, तो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा लगाना होगा। अब आज हम आपको एवरेज कह लीजिए, वेटेड एवरेज कह लीजिए, डेविएशन कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, हम वो मेथड यहाँ सीखते हैं। आप इसको नाम दे सकते हैं डेविएशन मेथड। अब डेविएशन मेथड के मेरे भाई फायदे भी हैं, और यहाँ पर ये देखिए डेविएशन मेथड हो गया हमारा। अब ये डेविएशन मेथड को हम किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर सवाल बनते हैं, ज़रा वो देखो। डेविएशन मेथड में सबसे पहले यहाँ पर ये होता है कि हम किसी भी संख्या को एक अपना औसत मान लेते हैं, किसी भी संख्या को। ठीक है, इनमें से किसी भी संख्या को औसत मान लो, या बाहर के किसी संख्या को औसत मान लो, जो आपका दिल करे उसको औसत मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कहा यार एक काम करते हैं हम, यहाँ पर है ना मान लो 40 को औसत मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, तो 40 को हम औसत मान लेते हैं अपने मन में, अपने इच्छा में जो है हम यहाँ 40 मान के बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम यहाँ डेविएशन देख रहे होते हैं कि हमारा डेविएशन जो आया है वो हमारा डेविएशन कितने का आया है। तो सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना है मेरे भाई, हमें यहाँ डेविएशन देखना है कि सामने वाला जो है वो डेविएट कितना हुआ है। तो 40 से अगर आप देखोगे तो कम है कि ज़्यादा है, तो बोलोगे 20 की कमी है। 40 से कम है कि ज़्यादा है, ना कम है ना ज़्यादा है। 40 से कम है कि ज़्यादा है, तो 10 की कमी है। 40 से कम है कि ज़्यादा है, तो 30 ज़्यादा है। 40 से कम है कि ज़्यादा है, तो मेरे भाई 20 ज़्यादा है। हमें डेविएशन देखना है। अब डेविएशन निकालने के बाद हम एक तरफ क्या करेंगे, तो फाइनल डेविएशन देखेंगे यहाँ पे कि टोटल डेविएशन जो हुआ है वो हमारा कितने का हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो माइनस 20 से आपका क्या हो जाएगा, प्लस 20 ख़त्म हो जाएगा, 30 में से आपका 10 चला गया, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी आपके पास कितना डेविएशन है, दो। तो आपके पास कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 20 आ गया। अब ये 20 के डेविएशन को आपको बांट देना है 1, 2, 3, 4, 5 में। ये आप ऐसे करके चलिए कि सर हमारे पास 20 रुपये एक्स्ट्रा हैं, और अगर ये 20 रुपये एक्स्ट्रा हैं तो हम इसे कितने लोगों में बांट देंगे, 5 के 5 लोगों में बांट देंगे। तो अगर हम यहाँ पर 20 को इन 5 लोगों में बांट देते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलने वाला है, 4 रुपये मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर आंसर जो देंगे वो हम आंसर में क्या देंगे, तो बोलेंगे सर आपने जो माना था और प्लस यहाँ पर जितने का आपका डेविएशन आया, यानी कुल मिलाकर कितना, तो 44, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी अगर आप डेविएशन मेथड लगाते हैं तो डेविएशन मेथड लगाते हुए क्या करना होता है, एक औसत को मानना होता है और उसके आधार पर डेविएशन देखना होता है कि कितने का हुआ है। जो भी नेट डेविएशन आएगा उसको सभी लोगों में बांट दीजिए। ठीक है, 4 हैं तो 4 लोग, 5 है तो 5 लोग, जो डेविएशन आ जाएगा उसको यहाँ पर माने हुए एवरेज में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, क्लियर है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ 1170 हो गया और 1210 हो गया, 1230 हो गया और 1200 यहाँ पर जो है वो मान लो यहाँ पर 70 हो गया। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई 4 डेटा हो गया, और यहाँ पर जो है यहाँ पर इन लोगों का थोड़ा एक तरीके से 1210 हो गया, यहाँ पर जो है 1210 नहीं, यहाँ पर जो है 1240 हो गया। मैंने कहा यहाँ पर इन लोगों का औसत बताओ।
अब अगर आप बेसिक मेथड से जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, और सबको जोड़ने के बाद पांच संख्याएं हैं तो पांच में मेरे भाई भाग करना होगा। लेकिन ये हमारा बेसिक मेथड है, हमें इस तरीके से नहीं करना। हमने सीखा क्या है, डेविएशन, तो हम यहाँ डेविएशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा अपने तरफ से कोई संख्या को एवरेज मान लेते हैं। आप चाहो तो इसके बीच की किसी संख्या को औसत मान लो, या चाहो तो अपने मन से कोई संख्या मान लो। मैंने यहाँ पर क्या कहा, एक बच्चा लिखा है सैम महंत करके, सर आई एम फ्रॉम आसाम, आई क्लियर्ड आसाम पुलिस SI दिस मंथ, थैंक यू सो मच फॉर योर वेरिएबल क्लासेस। चलिए मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही जो है, भगवान करे कि आप तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, ठीक है, और ऐसा ही बने हो आप तो एक बहुत प्राउड की बात है। अपने पेरेंट्स को आपने बहुत प्राउड होने का मौका दिया है। ऐसे ही जीवन में बहुत आगे बढ़ो मेरे भाई, ठीक है, बहुत खुश रहो। चलो, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि किसी एक संख्या को औसत मान लेते हैं, और वो संख्या हमारा कितना है तो 1200 है, वो संख्या हमारा कितना है तो 1200, अपने मन से मान लिया, इसको मैंने लेट कर लिया। उसके बाद मैं डेविएशन देखूंगा, तो 1200 से यहाँ पर कमी है कि ज़्यादा है, 30 की कमी है। 1200 से कम है कि ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। 1200 से कम है कि ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। 1200 से कम है कि ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है। 1200 से कम है कि ज़्यादा है तो 40 ज़्यादा है। अब ओवरऑल हम डेविएशन देखते हैं, तो कुल मिलाकर हमको कितने का डेविएशन हुआ है। तो -30 से हमारा क्या हो गया, +30 हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 70 और 40 110, 110 और 10 कितना हो जाएगा, 120, और इस 120 को जो है हमें पूरा का पूरा बांट देना है। कितने लोगों में, 1, 2, 3, 4 और 5, तो कुल मिलाकर मेरे भाई इसको 5 लोगों में जो है वो बांट देना है। समझ गए इस बात को यहाँ पे। तो अगर हम 5 लोगों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये डेविएशन हमारा प्लस में आया है, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर 1200 आपने माना था और 24 आपके पास और आ गया, तो कुल मिलाकर आंसर 1224 हो गया, ये हमारा औसत है। तो टोटल आंसर हमारा कितना हो गया, तो 1224 हो गया। तो कभी भी जब डेविएशन के माध्यम से बनाए तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपका नेट डेविएशन आता है, प्लस में आता है तो जोड़ देना है, और माइनस में आता है तो घटा देना है, ठीक है। कंसेप्ट कैसा लग रहा है, अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें हर जगह पर अपने दोस्तों तक। चलिए आ जाइए, अब ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन आपका सीजल मेंस 7 मार्च 2023 में पूछा गया, और ये वैरियर सीरीज के नाम इसीलिए रखी क्योंकि आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ये हमारा जो बुक है सीजल वैरियर करके, उसी बुक के सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जब आप इसके एवरेज में जाएंगे ना, और जब आप यहाँ क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो आपको पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से मिलेगा एक अप्रोच। देखो, ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के बुक थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने ये बुक क्यों निकाली बच्चों के लिए, रीज़न था, मेरा मानना ये था कि अगर आखिरी के 60 दिन में तैयारी करना है, और अगर मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, तो ये मतलब कम से कम क्वेश्चंस में सारे के सारे वैरायटी कवर करने हैं, तो ये एक अच्छी किताब है। आप यहाँ पर लास्ट के 2 ईयर 2021 और 2022 के आप प्री और मेंस के सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है, और बाइलिंगुअल बुक है, इंग्लिश भी है हिंदी भी है, तो बढ़िया तरीके से आपको मदद मिलेगी सवालों को बनाने में। इतना करके जाइए, और उसके बाद समय बचेगा तो अपना मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ आज के क्लास के क्वेश्चन से भी देख लेंगे कि कितने अच्छे सवाल हैं, कैसे हैं, क्या है, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो जैसे इस सवाल में कहा गया अब इन सब का औसत बताओ, मैंने कहा इन सब का औसत बताना है, तो एक तो हमारा बेसिक तरीका हो गया सबको जोड़ के भाग करना, और दूसरा जो हमारा तरीका हो गया मेरे भाई वो यहाँ पर क्या हो गया कि हम इनमें से किसी संख्या को एक औसत मान लेते हैं। मेरा मन ज़्यादा नहीं हो रहा तो मैंने कहा यार अपने तरफ से लेट कर लेते हैं एवरेज को कितना हो जाएगा, तो लेट कर लेते हैं हम अपने एवरेज को कि भैया 600 है मान लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। अगर हमारा औसत 600 है तो डेविएशन देखते चलो, डेविएशन का मतलब कितना ज़्यादा या कितना कम, तो ये मेरे भाई 600 से ज़्यादा है या कम है बताओ, तो बोलोगे सर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 93 ज़्यादा है यहाँ पे। ये हमारा 600 से ज़्यादा है या कम है, तो बोलोगे सर 600 से कम है, और कितने की कमी है तो 144 की कमी है। ये हमारा 600 से ज़्यादा है या कम है, तो बोलोगे सर ज़्यादा है, कितना 276 हमारा ज़्यादा है। उसके बाद ये हमारे 600 से ज़्यादा है या कम है, तो कम है 68 के मेरे भाई कमी है यहाँ पे,
ठीक है। अगला हमारा 934, ज़्यादा है कि कम है? तो 334 मेरे भाई ज़्यादा है। अगला हमारा 691, कितना ज़्यादा है? तो 91 ज़्यादा है। ये संख्या हमारी कितने की कमी है? तो माइनस हमारा 4 का कमी है दोस्त। ये संख्या ज़्यादा है कि कम है? तो बोलोगे सर इसमें जो है ना 202 रुपए की कमी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 202। और ये संख्या हमारी ज़्यादा है कि कम है? तो बोलोगे सर ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो 82 है। अब हमारा जो भी डेविएशन आएगा ना, ये डेविएशन का आप देखो एक बार, जो भी डेविएशन आएगा उसको भाग कर देना है सभी संख्याओं में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल मिलाकर कितने लोगों में भाग करना है? 9 लोगों में। तो अब सर हम डेविएशन अपना देखते हैं कि हमारा डेविएशन आया कितने का है। सारे प्लस वालों को पहले एक साथ जोड़ लो, और अगर आप डिफरेंस लेना चाहते हो तो डिफरेंस भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बोलूँगा यहाँ पर जैसे मानो सारे प्लस वालों को जोड़ लो आप, यहाँ पे कितने प्लस वाले हैं यहाँ पे, तो 276 हो गया, 93 हो गया, 334 हो गया, और 91 हो गया आपका यहाँ पे, फिर उसके बाद 82 हो गया। सबको जोड़ लीजिए और लास्ट में माइनस कर लीजिएगा। तो अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो तरीके से जोड़िए यहाँ पे। सबसे पहले 276 है, आप इसको जोड़ लीजिए 334 के साथ, ठीक है। तो आपका ये 300 और 200 आपका 500 हो जाएगा, 70 और 30 हमारा 100 यानी 600 हो जाएगा, 610 हो जाएगा हमारा, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो 610 हो जाएगा। इन दो लोगों को हमने जोड़ लिया, और प्लस वाले हमारे कितने बच गए? तो प्लस वाला एक 93 बच गया और एक 91 बच गया, 90, 90, 180, 184, तो हमने इसको भी मेरे भाई जोड़ लिया यहाँ पे। और हमारा प्लस वाला कोई बचा है? तो लास्ट में हमारा एक 82 बचा, हम इसको भी जोड़ लेते हैं। तो प्लस वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 876 आ गया, कितना आ गया? 876, आप जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। कुल मिलाकर 876 हमारा प्लस में आएगा। और माइनस वाले का अगर आप देखेंगे तो माइनस वाला देखिए आप 144, 64 और ये हमारा करके है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले देखेंगे 144 और 4, 148 हो गया, ठीक है। और 148 और ये दो लेके 150 हो गया, 150 और हमारा 200 यानी 350 हो गया मेरे भाई, ये तीनों को मिला के 350 और 60 हमारा 400, 10 418 यानी हमारा हो जाएगा 418। इसमें से माइनस करना है 16 से 8, 8 आपका 6 से माफ़ करिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 458 यानी टोटल डेविएशन जो हमारा आएगा वो हमारा टोटल डेविएशन कितने का आएगा? 458 का। ये जो हमारा सारा प्लस माइनस करने पे आया है ना, ये 458 का आया है। अगर हम 9 से काटते हैं मेरे भाई तो 90 का लगभग 50 गुना, 9 × 5 = 450, 50 पॉइंट समथिंग करके, 50 पॉइंट नियर अबाउट वही, मतलब अगर आप मानेंगे तो 8 के करीब में जाएगा आपका यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर अपना आंसर देने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो मैंने माना है, मैंने माना कितना है तो 600 माना है, और उसमें मेरा डेविएशन 50.8 का आ रहा है, तो हमारा आंसर 650.8 जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। मैं एक बस तरीका बता रहा हूँ आपको यहाँ डेविएशन पे, ठीक है। हालांकि मैं इस सवाल को बहुत शॉर्ट में आंसर दे सकता था जब मैंने यहाँ पर देखा कि डेविएशन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर रहा है 600 को मानने पे, तो आंसर हमारा 650 होता, आंसर हमारा कितना होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा और बड़े बड़े डेटा हैं और ये तो बहुत कम है यहाँ पे। तो डेविएशन में क्या होता है कि एक संख्या को मान लो, उसके तुलना में यहाँ कितना कम है या कितना ज़्यादा है वो लिख लो, जितना भी कम है या जितना भी ज़्यादा है वो लिख देना, और जितनी भी संख्या उनमें भाग कर देना, तुम्हारा डेविएशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ निकल पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे मेंस में पूछे गए थे, और अभी हमारा रिसेंट का मेंस का क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम आपको एक और एवरेज निकालने की बात करते हैं, और एक और संख्या का मुझे थोड़ा एवरेज निकाल के आप लोग बता दीजिए, और देखते हैं कितने बच्चे इसका औसत बता पाते हैं। बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल है मेरे भाई, फाइंड एवरेज, सिंपल सा बात बोलूँगा मैं यहाँ पर, और क्या बोलूँगा, फाइंड एवरेज। और किस किस का एवरेज पता करना है? तो मेरे भाई एवरेज आपको पता करना है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 210 हो गया और 218 हो गया मेरे भाई, उसके अलावा यहाँ पर 240 हो गया और 200 यहाँ पर जो है 17 हो गया और 190 हो गया। और मैंने कहा यहाँ पर कि इन सब का जो है वो औसत बताइए, कि इन सब का जो औसत है वो हमारा कितना होने वाला है, इन सब का औसत बताइए कि इन सब का जो औसत है मेरे भाई वो हमारा कितना होने वाला है,
ठीक है। अब आप यहाँ बोलेंगे सर आप ही ने सिखाया, किसी भी संख्या को औसत मान लो, मान लेते हैं हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि औसत हमारा कितना है तो 200 है, ठीक है, औसत हमारा कितना है तो 200 है। अब 200 में ये ज़्यादा है कि कम है तो बोलोगे 10 ज़्यादा है, 200 में ज़्यादा है कि कम है तो बोलोगे 18 ज़्यादा है, 200 में ज़्यादा है कि कम है तो बोलोगे 40 ज़्यादा है, 200 में ज़्यादा है कि कम बोलोगे 17 ज़्यादा है, 200 में ज़्यादा है कि कम है तो 10 की कमी है, ठीक है। सारे डिविशंस मैंने लिख दिए, प्लस 10 से हमारा क्या हो गया, माइनस 10 हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा यहाँ कितना बचा, 18 17 35 और 40 हमारा कितना हो गया तो 75 हो गया, यानी हम यहाँ क्या करेंगे 75 करेंगे, और ये 75 को हमें बांटना है कितने लोगों में, 1 2 3 4 5, तो सब में मेरे भाई कुल मिलाकर जो है वो कितने लोगों में बांटेंगे, तो यहाँ पर इसको 5 लोगों में बांट देंगे, ठीक है। कितने बांटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 5 लोगों में बांट देंगे, तो ये जो 75 है इसको अगर हम पूरे के पूरे सभी में बांटते हैं तो हमारा कितने में बढ़ता है, तो 15 में, कितने में बढ़ता है तो 15 में, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, तो आंसर हमारा होगा 200 में मेरे भाई 15 ज़्यादा, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 215 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, तो 215 हो जाएगा। ये एक जेन्युइन तरीका है औसत निकालने का, समझ गए यहाँ पे। अब इसमें एग्जामिनर क्या करता है, मैं थोड़ा सा उसकी भावनाओं को भी लेके चल रहा हूँ, उसकी बात को भी मन में अपने लेके चल रहा हूँ। अब वो यहाँ पर क्या करेगा, कल के दिन थोड़ा सा बदलाव करेगा, ठीक है, और वो अब है ना आपसे सिंगल सिंगल लोगों का औसत नहीं पूछेगा, वो मेरे भाई यहाँ पर देखो, जैसे इसमें एक तो ये था कि सभी संख्या दे दी थी उसका औसत पूछा था, और दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा कि मेरे भाई सभी संख्याओं में आपको क्या करेगा, जैसे बोलेगा आपके क्लास में 5 दोस्त हो आप लोग, कितने दोस्तों 5 दोस्तों, एक दोस्त का मेरे भाई औसत वजन मान लीजिए कि 100 किलो है, दूसरे दोस्त का औसत वजन 80 किलो है, तीसरे दोस्त का औसत वजन 70 किलो है, चौथे दोस्त का औसत वजन 120 किलो है, पांचवे का मेरे भाई पता नहीं, और पूरी की पूरी क्लास का जो औसत है ना वो हमारा 130 किलो है, बताओ यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ये वाला टाइप सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये वाला टाइप मेरे भाई क्या हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक का 100 है, दूसरे का 80 है, तीसरे का 70 है, चौथे के पास इतने रुपए, पांचवे के पास कितना होगा, कि सभी का औसत हमारा 130 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं, यानी यहाँ पर ये वाले सवाल हो जाएंगे कि पूरे ग्रुप का दे देगा, अलग अलग इंडिविजुअल्स का दे देगा, और लास्ट वाले पर्सन का यहाँ पर पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मेरे भाई कोई बच्चा बेसिक से जाना चाहता है और बेसिक से बनाना चाहता है तो वो बेसिक से कैसे करेगा, तो वो मेरे भाई बेसिक से यहाँ बोलेगा पहले के पास कितना है 100 रुपये, दूसरे के पास कितना है 80 रुपये, तीसरे के पास कितना है 70, चौथे के पास कितना है 120, पांचवे के पास कितना है x, और ये कुल मिलाकर कितने लोग हैं 5 लोग हैं, इनको 5 में भाग कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। ये हमारा बेसिक है, हालांकि हमें बेसिक से नहीं बनाना है बट फिर भी बता रहा हूँ, 12 और 20, 20 और 3 हमारा 370, 370 देखो 12 8 200 हो गया, 300 370 प्लस हमारा कितना हो गया x बराबर, ये हम काटेंगे तो 130 को 5 से गुना करो तो 650 हो जाएगा, 13 5 65, तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी 280 हो जाएगी, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 280 हो जाएगी, 650 में से आप इसे काटिए कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा, यानी आखिरी वाले बंदे की वैल्यू हमारी कितनी है तो 280 है। पहले का वैल्यू, दूसरे का वैल्यू, तीसरे का वैल्यू, चौथे का वैल्यू, पांचवे का वैल्यू डिवाइडेड बाई 5 बराबर औसत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लास्ट वाले की वैल्यू 280 हो गई। अब मैं कहता हूँ कि यार है ना आप इस सवाल को अगर पेपर में ऐसे करते तो कभी भी आपको सिलेक्शन प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर जो जेन्युइन तरीका था इस सवाल को करने का वो हमारा क्या था, तो जेन्युइन तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये होता कि हम एक डेविएशन लगाते हैं। हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर डेविएशन लगाते हैं और डेविएशन लगा के सवालों को बताते हैं कि देखो कैसे बनता है सवाल। डेविएशन में यहाँ पर क्या होता, जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा औसत आपको कितना दे दिया है, 130 दे दिया है। अगर ये पूरा का पूरा औसत हमारा 130 है तो यहाँ पर आप ये देखो कि ये 130 से कम है कि ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 30 की कमी है।
ये मेरे भाई 130 से कम है कि ज़्यादा है, तो 50 की कमी है। ये 130 से कम है कि ज़्यादा है, तो बोलोगे 60 की कमी है। ये 130 से कम है कि ज़्यादा है, तो बोलोगे 10 की कमी है। क्या आप इसके बारे में बता सकते हो कि ये कम है कि ज़्यादा है? तो बोलोगे नहीं सर, नहीं बता सकते हैं। तो मेरे भाई अगर नहीं बता सकते हैं तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? तो नहीं बता सकते हैं तो देखो, औसत का मतलब जनरली क्या होता है? बैलेंस करना। जैसे मान लो इस कमरे में 3-4 लोग हैं, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करते हैं? आपस में शेयर करके एक दूसरे को बराबर करते हैं। कभी भी जो तराजू आपने देखा है, अगर तराजू में एक तरफ वजन ज़्यादा हो जाए, दूसरी तरफ कम हो जाए, तो वो तराजू कभी बैलेंस नहीं रहता, वो एकदम ऐसे नीचे चला जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। तो औसत भी एक तरीके का वही कहानी है, जहाँ पर वो हमेशा बराबर में रखने की बात करता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? जहाँ पे हमेशा वो क्या करता है, बराबर में रखने की बात करता है। तो वही बात है यहाँ पे, हमें जो है वो क्या करना है, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर सबको बराबर करना है। क्या करना है मेरे भाई यहाँ पे, तो सबको बराबर करना है और सबको यहाँ पे देखना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखो, -30, -50, -60, -10, ज़रा इन सब का एक तरीके से नेट डेविएशन देखो। तो बोलोगे 60, 30, 90 और 10, 100 में से 50 गया तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 150 हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि औसत का मतलब होता है बराबर करना। अगर इधर 150 की कमी है तो अगले साइड मेरे भाई बंदा क्या होगा? 150 ज़्यादा होगा। ये वाला ग्रुप देखो, बराबर कैसे होता है? जब टोटल डेविएशन जीरो आ जाए, जब एकदम जीरो। जीरो कब होगा? अगर इधर 150 माइनस में है तो इधर 150 को क्या होना पड़ेगा? प्लस में होना पड़ेगा। यानी इस बंदे को जो है वो 150 ज़्यादा होना पड़ेगा। तो यहीं पर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बोलेंगे कि भैया औसत कितना है? 130, और उसमें ये बंदा कितना ज़्यादा होगा? तो 150, यानी कुल मिला के इसकी वैल्यू खुद की कितनी हो जाएगी? 280 हो जाएगी। खुद की वैल्यू मेरे भाई यहाँ कितनी हो जाएगी? तो 280 हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी देखिए, बेसिक से भी आपका 280 आया और डेविएशन से भी आपका 280 आया। एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, चलिए। जैसे मान लीजिए किसी के पास यहाँ पर 60 है, किसी के पास 72 है, और किसी के पास 88 है, और किसी के पास 90 हो गया। अगले व्यक्ति के पास मेरे भाई क्या होना चाहिए कि टोटल के टोटल कुनबे में सबके पास 70 की वैल्यू हो, सबके पास 70 की वैल्यू हो, ठीक है। एक व्यक्ति का औसत वजन इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है, चौथे का इतना है, पांचवे का कितना होगी? पूरी क्लास का औसत वजन कितना है? 70। आपने कहा कि सर ने हमें डेविएशन सिखाया है, और डेविएशन के माध्यम से उन्होंने हमेशा यहाँ पर यह कहा है कि कितने का डेविएशन होगा। 70 में ये कम है कि ज़्यादा है? तो बोलोगे 10 की कमी है। 70 में ये कम है कि ज़्यादा है? तो बोलोगे 2 ज़्यादा है। 70 में ये कम है कि ज़्यादा है? तो बोलोगे 18 ज़्यादा है। 70 में ये कम है कि ज़्यादा है? तो बोलोगे सर 20 ज़्यादा है। तो एक बार इनका डेविएशन देखो पहले, कि ये डेविएट कितना हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर देखिए, 18 और 2 20, 20 और 20 40, 40 में से 10 चला गया तो कितना हो गया? 30। यहाँ पर सर प्लस 30 है। अगर यहाँ पर प्लस 30 है ना मेरे भाई, देखो 40 हो गया यहाँ पे और 10 हो गया 30, तो यहाँ पर 30 ज़्यादा है, तो वहाँ अगले पास क्या होगा? 30 कम होगा। वहाँ पर 30 कम होगा तो यानी कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर -30, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू बोलोगे सर 70, और जो यहाँ डेविएशन आया था -30, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? तो 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे बेसिक्स थे जो हमने सीखे, और अब हम उसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए, सीजीएल वैरियर का एक और क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे, और क्या कहा गया वो देखिए। 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत हमारा कितना है? 55 है। 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी का औसत हमारा इतना है। हमसे यहाँ पर ए बी सी डी का हमारा जो है वो औसत पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बेसिक से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर डेविएशन लगाना चाहो तो वो भी अप्लाई कर लो, और बेसिक लगाना चाहो तो वो भी कर लो। जनरली अगर हमारे डेटा काफ़ी पास पास में रहते हैं ना, तो हमारे लिए डेविएशन बहुत आसान हो जाता है, और डेटा अगर हमारे काफ़ी दूर दूर तक मौजूद है मेरे भाई, तो वहाँ पर डेविएशन लगाने का औचित्य नहीं बनता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कहा गया, तो 52, 71, 43, 22 ए और बी, और सबका औसत कितना है? 55 है। तो अगर यहाँ डेविएशन लगाना चाहोगे तो लगा लो, मैं मना करूँगा, मैं बोलूँगा नहीं कि डेविएशन लगाओ यहाँ पे, सिंपल कर लो ज़्यादा अच्छा है। तो 52 + 71 + मेरे भाई 43, फिर उसके बाद हमारा 22,
और फिर उसके बाद हमारा ए हो गया, फिर उसके बाद बी हो गया। कुल मिलाकर ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन सब का औसत हमारा कितना है, तो इन सब का औसत हमारा 55 है मेरे भाई। इन सब का औसत हमारा कितना है, तो 55 है। औसत का मतलब क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर बराबर एवरेज है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ इस सवाल को देखें और बनाएं यहाँ पर, तो हम कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 50 और 70 120 120 और 40 160 160 और 20 हमारा 180, ठीक है, 3 2 5 2 7 और 1 8, तो ये हमारा हो गया टोटल कुल मिलाकर 188 प्लस हमारा ए और प्लस हमारा बी बराबर 55 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई ए प्लस बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, तो बोलोगे सर 142, कितना हो जाएगा सर यहाँ पे 142। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट में हम चलते हैं, और अगला वाला पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट वाले में हमसे क्या कहा है। नेक्स्ट वाले में कहा है कि 42 45 49 51 42 सी और डी का औसत हमारा कितना है, 53 है। आप यहाँ चाहें तो इनमें यहाँ पर डेविएशन भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बेसिक से भी बना सकते हैं। फिलहाल हम जो आपको बता रहे हैं वो फिलहाल बेसिक से बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने कहा कि इसका औसत का मतलब 42 प्लस हमारा 45 प्लस हमारा 49 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 51, फिर उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, 42 प्लस हमारा हो जाएगा सी प्लस हमारा हो जाएगा डी। और ये कितने लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने लोग हैं मेरे भाई, 7। इन सब का जो है डिवाइडेड बाई 7 बराबर कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सर जी 55 कैसे आया, मेरे भाई दिया गया है सवाल में कि फलाने फलाने संख्याओं का औसत 55 है, सवाल में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर अब जो है वो जोड़ा है, और देखते चलिए यहाँ पे 4 4 8 4 12 12 और हमारा हो गया, ऐसे समझ लो 4 4 8 8 और हमारा हो जाएगा 180, और 180 और हमारा 220, 220 और हमारा कितना हो जाएगा, 229 हमारा कुल मिला के 229 प्लस हमारा हो जाएगा सी प्लस हमारा हो जाएगा डी बराबर 53 का 7 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, 371, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो सी प्लस डी का जो हमारा मान आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल, 71, और 71 142 मेरे भाई, ठीक है। आप माइनस करके देख लो, 11 से 9 आपका 2, 6 से 2 आपका 4, ठीक है। सी प्लस डी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहा है एवरेज ऑफ ए बी एंड सी एंड डी यहाँ पे, कि ए बी सी डी का जो है हमारा औसत कितना होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत निकालना चाहते हैं तो इन सब के डेटा को जोड़कर मेरे भाई डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। तो यहाँ पर ये कितना था, 142, और ये कितना था, 142, और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, तो मेरे भाई साफ लफ्ज़ों में जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 14 14 28 284, और 284 को जो है हमें भाग करना है किसके साथ, तो 284 को 4 के साथ, यानी कटेगा तो कितनी बार में, 71 बार में, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सवाल में डिवीशन लगाते ना आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, तो मैं आपको सही जगह पर बताऊंगा कहाँ डिवीशन लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में डिवीशन नहीं लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए प्लस बी की वैल्यू निकाली, यहाँ सी प्लस डी की वैल्यू निकाली, और यहाँ पर क्या किया, टोटल जो है हम लोगों ने यहाँ पे उनका औसत निकाल लिया। अब यहाँ पर जो है वो तीन बातें हम आपको बताते हैं, उसके पहले कुछ बच्चों के कमेंट जो है यहाँ पे वो आ रहे हैं, और सबसे पहला जो आ रहा है यहाँ पे वो ये आ रहा है कि गुरुकुल में एडमिशन लेना है, प्लीज़ हेल्प। तो मेरे भाई गुरुकुल में एडमिशन लेना है तो आप इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करिए 8506003999, और इस पर बात कर लीजिए। नेक्स्ट एक बंदा कह रहा है कि सर आप यूपीएसआई के लिए भी पढ़ाते हैं, जी हाँ बिल्कुल पढ़ाते हैं। और तीसरा सर क्या डेली क्लास होती है और रोज़ होती है, हाँ मेरे भाई डेली क्लास होती है और अब से डेली रेगुलर होगी, रोज़ रात 8:30 बजे कंटिन्यू रहेगा, और सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। साथ में मैंने महाभारत बैच की प्लेलिस्ट भी बनवा दी है, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके अब तक मैंने जितनी क्लासेस कराई हैं उनको तरीके से देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं चीज़ों को लेके।
आइए अब यहाँ पर औसत में हमें जो है फिलहाल अभी राइट नाउ एवरेज में ये तीन टाइप हमें पढ़ना है, और वो तीन टाइप हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टाइप हो गया मेरे भाई इंक्लूजन। यहाँ पे मेरा औसत पढ़ाने का अपना तरीका है, मेरे अपने मतलब एक वे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पर एक्सक्लूजन, और तीसरा हमारा हो गया मेरे भाई रिप्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने अपने तरीके क्यों कहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा हटके पढ़ाता हूँ चीज़ों को लेके, मैंने अपने कैटेगरीज बना रखे हैं जो मुझे लगता है कि अगर बच्चा इन इन टाइप्स को सीख जाए तो पेपर में बड़े आसानी से वो सवालों को बना पाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ देखो तो औसत में हमारे तीन टाइप ये हैं, इंक्लूजन, रिप्लेसमेंट, एक्सक्लूजन। आपके जीवन में भी होता है, रोज़ कहीं ना कहीं दोस्त बनते रहते हैं, ठीक है, और कोई ना कोई छूट भी रहा होता है, और कई सारी चीज़ों को आप कई सारी चीज़ों से रिप्लेस करते हो। तो हम आपको तीनों कहानी बताते हैं। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अभी सिंगल हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी आपकी लग जाए तो रिश्ता आ जाएगा। अब रिश्ता आ जाएगा तो आपके परिवार में कोई आ जाएगा, आपके जीवन में कोई आ जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा तो क्या होगा, तरक्की होनी होगी तो तरक्की होगी, और बाकी जो लिखा होगा वही होगा। तो इंक्लूजन के करने से अगर जीवन में अच्छा व्यक्ति मिलता है तो हम ग्रो करते हैं, और ख़राब मिलता है तो हम डूब जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इस कमरे में कुछ लोग हैं और उनके पास कुछ रुपए हैं, अगर कोई एक अमीर व्यक्ति आ जाता है असल में क्या होता है कि सुबह से लेके शाम तक पढ़ाते पढ़ाते ना 12 घंटे में पूरा गला जो है वो छिल जाता है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कोऑपरेट करेंगे। तो मैं जो आपसे कह रहा था वो कह रहा था कि इंक्लूजन, इंक्लूजन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंक्लूड हुआ, जैसे कंपनी को ही देख लीजिए कि कुछ लोग मिलकर कोई कंपनी चला रहे हैं और उनका अपना एक औसत है। कोई नया बंदा कंपनी में आता है और बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आता है तो सबके औसत को वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई कंगाल व्यक्ति आता है और बहुत कम पैसे लेकर आता है तो वो सबके औसत को मेरे भाई क्या कर देगा, कम कर देगा। उसी तरीके से एक्सक्लूजन की बात करते हैं। एक्सक्लूजन की कहानी दोस्त यहाँ पर क्या होती है कि मान लीजिए इस कमरे में है, ठीक है, और हम सारे लोग बड़े खुश हैं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति यहाँ से जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो इस कमरे को छोड़ के चला जाए तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा और सब पर जो है वैल्यू है वो कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति लेके जा रहा है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है तो उससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं है। तो एक्सक्लूजन के भी दो केस होते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट लेके जा रहा है तो औसत डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर कोई बहुत कम अमाउंट लेके जा रहा है तो औसत मेरे भाई इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो जाता है हमारा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट से क्या होता है, इस कमरे के किसी व्यक्ति को मैंने भेजा और उसके जगह पे मैंने किसी और बच्चे को बुलाया, और उसके बाद मैंने देखा तो जब बुलाने के बाद यहाँ पर कहानी क्या हो गई कि औसत बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। मानो 50 किलो वाले को भेजा और उसके जगह पर 60 किलो वाले को बुलाया, औसत बढ़ जाएगा। लेकिन 50 किलो वाले को भेजा और उसके जगह पर 40 किलो वाले को बुलाया है तो औसत घट जाएगा। यानी ये तीनों केस हमें पढ़ने हैं। और सबसे बढ़िया मैं आपको एक बात बताऊं तो एक सिंगल फार्मूला मैं आपको दूंगा, वो फार्मूला मैंने खुद बनाया है, और वो फार्मूला जो है यहाँ पर हर जगह पे अप्लाई होगा। ये फार्मूला मेरे अलावा किसी ने यूट्यूब पर पढ़ाया भी नहीं है। रीज़न मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसको बनाया ही मैंने है। हर टीचर का अपना अपना कंसेप्ट होता है, अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा खुद का तरीका है। तो जैसे मान लीजिए मैं हमेशा यहाँ बच्चों को लिखवाता हूँ न्यू बराबर ओल्ड, न्यू बराबर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, न्यू मेंबर कह सकते हो, ओल्ड मेंबर कह सकते हो। तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ लिखता हूँ न्यू बराबर ओल्ड प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, और इनटू कितना हो जाएगा, इनटू मेरे भाई एफएम। एफएम का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल मेंबर। ये अब बोलोगे सर ये क्या है, मैं आपको तसल्ली से तरीके से एक एक पॉइंट बताता हूँ। ये न्यू का मतलब क्या हो सकता है कि जैसे मानो कोई नया मेंबर भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है वो नया औसत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि नया औसत कुछ भी करके। ओल्ड का मतलब सेम कहानी, ओल्ड मेंबर या ये रहेगा। इंक्रीज होगा तो इंक्रीज बोलेंगे, प्लस और डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। और एफएम का मतलब क्या होता है, फाइनल मेंबर होता है। एफएम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, फाइनल मेंबर होता है।
अब ज़रा सवालों को देखिए कि आप किस तरीके से बनाएंगे, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ और कहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, एक तरीके से जैसे मान लीजिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। ये हमसे कहा गया कि क्रिकेट के 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत रन 58 होता है और 61 रन का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितना रन बनाना होगा। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, ठीक है। या मैं अगर आसान भाषा में बोलूँ तो मैं ऐसे कह लेता हूँ कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, मैंने 9 पारी खेली है और 9 पारियों में मैंने इतना रन बनाया है। मैं एक पारी को अपने शामिल और कर दूँ यहाँ पे, मैं एक पारी को अपने शामिल और कर दूं यहाँ पे, उसके बाद मेरा औसत जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 61 हो जाता है। बताओ उस पारी में मैंने कितने रन बनाए हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप किसी को इंक्लूड करने की बात करते हो, पहले 9 लोग थे और अब एक व्यक्ति को लाने की बात करते हो, तो उस तरीके से कैसे करोगे। तो अगर बेसिक से मेरे भाई जाओगे तो सबसे पहले मैं अगर आपको बेसिक से बताऊँ तो समझना, बेसिक से अगर आप जाओगे तो आप सीधा सीधा बोलोगे, सर देखो 9 पारियों में कितना रन है औसत है, तो 9 पारियों का औसत 58 है, तो ये 9 पारियों का सम हो जाएगा 9 × 58। फिर एक पारी में उसने कितना रन बनाया है, तो एक पारी में सर उसने x रन बनाया है, ये 9 पारियों का रन, ये एक पारी और रन, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल के टोटल 10 पारी से, तो ये सर हमारा 10 पारी का क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। अभी हम आपको बोले ना कि पहले हम आपको बेसिक से बताएंगे, ठीक है। तो औसत का फॉर्मूला ही हमारा क्या होता है, औसत का फॉर्मूला हमारा सम अपॉन नंबर होता है, ठीक है। तो 9 पारियों में इतना रन, तो 9 × इतना, और एक पारी में इतना रन, तो इतना डिवाइडेड बाई टोटल 10। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 × 5 = 45, 450 और 9 × 8 = 72, यानी टोटल हो जाएगा 532 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा एक्स बराबर 61 का 10 गुना, कुल मिला के 610 हो जाएगा भाई, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं x की वैल्यू को यहाँ निकालने की बात करते हैं, तो 610 में से हम इसे घटा दें, 610 में से हम मेरे भाई इसे घटा दें, तो ये हमारा 68 और 10 कितना हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। यानी जो है लास्ट वाली पारी जितना उसने रन बनाया वो मेरे भाई कितना बना है, 78 नहीं 88 हो जाएगा ना। एक सेकंड, सही लिखा, 9 × 72 = 45 और 7, एक सेकंड, यहाँ पे 9 522 होगा ना, ठीक है। और अगर ये 522 होगा तो ये हमारा 88 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैंने आपको किससे बताया, ये मैंने आपको बेसिक से बताया, लेकिन आपको पेपर में बेसिक नहीं लगाना है, ऐसे करोगे तो जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखो। ये मुझे समझाने के लिए बेहतर था, बट ऐसे मेरे भाई पेपर में अप्लाई नहीं करना है। तो हम यहाँ इसको बनाएंगे कैसे वो समझिए। तो आप यहाँ पर, मैं हमेशा बच्चों को दो मेथड बताता हूँ, ये पता ही है आपको यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से एक बात बोलेंगे और बोलेंगे, सर आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर प्लस माइनस इंक्रीज या फिर डिक्रीज और इनटू कितना हो जाएगा, इनटू सर फाइनल मेंबर। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए क्या, इस सवाल को देखिए, पहले हमारे पास कितने लोग थे या पहले कितनी पारी हमने खेली थी, तो पहले मेरे भाई हमने यहाँ पर जो है 9 पारियाँ खेली थी और 9 पारी का औसत हमारा कितना होता था, 58। एक पारी मैंने खेली और मेरा औसत हो गया 61, तो मुझे बताओ यहाँ पर मेरा ओल्ड वैल्यू कितना था। तो पहले मैं यहाँ पर कितना औसत होता था, 58, ठीक है। उसके बाद एक इनिंग खेलने के बाद, जो मैंने एक पारी खेली है उसको खेलने के बाद मेरा वैल्यू बढ़ा है कि मेरा वैल्यू कम हो गया है, तो बोलोगे 58 से आप 61 पे आ गए हो, यानी आपकी वैल्यू बढ़ गई है, 58 से 61 पे आ गए हो सर आप, यानी आपका औसत बढ़ गया है। तो मेरे भाई बढ़ गया है तो क्या करेंगे, प्लस, कितने में बढ़ गया है, 3 में, और इनटू फाइनल मेंबर। फाइनल मेंबर का मतलब मैं यहाँ ये लिखता हूँ कि अब कितने पारी हो गए हैं, तो पहले 9 पारी थी, एक पारी जुड़ गया, यानी अब टोटल कितने पारी हो गए, 10 पारी मेरे भाई हो गई। तो यहाँ पर इनटू कितना कर देंगे, 10, 58 में 30 जोड़ दो, आंसर हमारा यहीं पर 88 आ जाएगा, ख़त्म, क्लास फिनिश, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बहुत ही सॉफ्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सवालों को सॉल्व करने का। इंक्लूजन्स क्या है ये सवाल, कि फलाने लोगों का औसत इतना था, एक व्यक्ति का औसत यहाँ इतना है, तो टोटल इस तरीके से। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अपने लेवल पे और देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे मानो यहाँ पर क्या है, ये डेटा है और यहाँ पर क्या हो गया, तो एवरेज हो गया। मैंने आपको ऐसे कह दिया
कि मान लीजिए मेरी क्लास में क्या है, मेरी क्लास में मेरे भाई 30 लोग हैं सपोज करो, और इन 30 लोगों का मेरे भाई औसत कितना है, ऐसे मान के चलो 29 लोग हैं, और 29 लोगों का औसत कितना था, तो 29 लोगों का औसत हमारा 60 किलो था। एक यहाँ पर व्यक्ति आता है, कितना व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति आता है, उसके बारे में नहीं पता कि यहाँ कितना है क्या है, या ऐसे समझ लीजिए एक क्लास में 29 बच्चे हैं उनका औसत 60 किलो है, एक टीचर है जो x किलो का आता है, और हर किसी का जो औसत है वो हमारा 63 kg हो जाता है। x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू बताओ मेरे भाई, एक्स का वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान भाषा में आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि आदित्य सर ने ये बात सिखाया था कि नया बराबर पुराना प्लस या माइनस, इंक्रीज या फिर क्या हो जाएगा डिक्रीज, और इनटू कितना हो जाएगा फाइनल मेंबर। समझ गए यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर नया वाला मेंबर के बारे में जानकारी चाहिए, तो पहले ये देखिए पहले औसत कितना होता था, तो पुराने के जगह पे कितना लिखेंगे 60। ठीक है, एक टीचर के आने की वजह से वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई जरा देखो, तो 60 से 63 हो गई। कितने का इंक्रीज हो गया, कितने का इंक्रीज हो गया, तो बोलोगे 60 से 63 हो गया, यानी इंक्रीज हमारा हो गया मेरे भाई 3 का। और इनटू फाइनल मेंबर, कितने लोगों पर हो गया, तो पहले 29 लोग थे अब एक और आ गए, यानी टोटल कितने लोग हो गए, 30 लोग हो गए। तो फाइनल मेंबर का मतलब अब कितने लोग हैं, तो टोटल 30 लोग हैं। तो मेरे भाई 90 और 60 यानी कितना आंसर आ गया, 150। बताओ दुनिया में इससे आसान तरीका हो सकता है, दुनिया में इससे आसान तरीका हो सकता है? पुराना जो औसत था वो लिख दिया, ठीक है, जितने का इंक्रीज हुआ वो लिख दिया, और जितने लोग अभी हैं वो लिख दिया, बात खत्म। तो ये हम कहाँ लगाते हैं, तो मेरे भाई ये हम जो है वो इंक्लूजन में लगाते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा सीजल 12/12/2022 में, उसी कंसेप्ट पर ये सवाल है। अब देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लग रहा है ना दोस्त, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, लाइक करते रहे और शेयर करते रहे, गर्दा उड़ा दिए आप। अभी आप लोगों ने औसत पढ़ाई नहीं हमसे, मेन बात ये है, जो हमारे एप्लीकेशन के बच्चे हैं या जो ऑफलाइन के बच्चे हैं जो पढ़ते हैं डेली, उन्हें पता है हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए बताइए, आंसर बताइए आप लोग। पानी गिर गया पूरा का पूरा। बताइए भाई आंसर बताइए। बहुत शानदार। तो हमारे ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहा गया मेरे भाई कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु हमारी कितनी है, 40 वर्ष है। यदि इनमें से एक अतिथि की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि होती है। अतिथि की आयु कितनी है, 12.5%, 12.5% किसका मेरे भाई, 40 का। तो पहली बात, 40 का 12.5% हमारा कितना होता है, तो हमने यहाँ पर ये कहा सर 40 का 12.5%, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, यानी अगर हम बात करेंगे तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु इतनी है, एक अतिथि को शामिल कर लीजिए और आपका 5 का वृद्धि हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा अरे सर किसी को शामिल करने की बात की जा रही है, और किसी को शामिल करने की बात की जा रही है इसका मतलब किसी को इंक्लूड किया जा रहा है, और अगर किसी को इंक्लूड किया जा रहा है तो आप जो इंक्लूजन वाला फॉर्मूला पढ़ाए हैं वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो इंक्लूजन वाला फॉर्मूला क्या था, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस। इतनी बार लिखेंगे ना कि आपको एकदम कंटेक्स्ट करवा देंगे, मतलब याद करवा देंगे, पूरा का पूरा फिक्स कर लीजिए। तो जब नया वाला मेंबर के बारे में पूछा जा रहा है, नया वाला मेंबर, तो क्या बोला, एक परिवार के 6 सदस्यों का औसत आयु इतना है, यानी 6 सदस्य हैं और इतना है, तो पुराना औसत हमारा कितना है, तो 40 है। उसके बाद एक अतिथि को सम्मिलित कर लिया जाता है, एक को जोड़ लिया जाता है, और 12.5% से बढ़ जाता है, यानी कितने से बढ़ जाता है, 5 से, तो इंक्रीज होगा, तो क्या करोगे, +5। और इनटू फाइनल मेंबर, कितने लोग हो गए, तो बोलोगे सर पहले परिवार में 6 सदस्य थे, एक अतिथि आ गया, कुल मिलाकर 7 लोग हो गए। ठीक है, पहले 6 लोग थे, एक आ गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए,
तो 7 हो गए, 7 का 5 गुना 35, 35 और 40 कुल मिला के कितना हो जाएगा, 75 हमारा करेक्ट आंसर है। यकीन मानिए दुनिया में इससे शॉर्ट मेथड आपको मिलेगा नहीं, इससे शॉर्ट मेथड मिल ही नहीं सकता आपको, सच बता रहे हैं। ये हमारा अपना तरीका है जिसको हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये आपने कहाँ देखा, ये आपने देख लिया पार्ट नंबर 1, जो मैंने कहा था ना टोटल 3 पार्ट हैं। तो अभी आपने कौन सा पार्ट देखा, आपने देखा पार्ट नंबर 1 इंक्लूजन करके, ठीक है। अब इस इंक्लूजन के बाद मेरे भाई यहाँ पर 2 पार्ट और बचते हैं। अच्छा, किसी को अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो डिटेल में पढ़ना होगा तो मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, पूरे के पूरे एवरेज की 9 घंटे की वीडियो मेरे भाई मैंने डाल रखी है। और अभी जितने बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं हमारे सीजल 2022 में, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से बात हुई हमारी, तो बहुतों ने बताया कि सर यहाँ पर हमने आपकी जो है एवरेज की और ये वाली परसेंटेज हो गई और बाकी ये सारे जो क्लासेस है वो हमने देखी है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ YouTube पर जाएंगे और YouTube पर मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स के जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो डाल रखा है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे की, जिसमें जो हमारा है एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट करके पूरा का पूरा मैंने डाला है, और दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा एवरेज है। तो जो बच्चा अगर पूरा कंप्लीट एवरेज पढ़ना चाह रहा है, एक एक पॉइंट्स को जानना चाह रहा है यहाँ पे, तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट एवरेज पूरा। 1.4 मिलियन व्यूज़ हैं आप देखिए यहाँ पे कंप्लीट। मैंने मतलब जब कराया था तो बच्चों का उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं था, बट जब पेपर में क्वेश्चंस आने लगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस उनको यहीं से मिलना शुरू हो गया। फिर उन्होंने एवरेज को यहाँ पर सीखा कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे ना मेरे भाई, तो ये पूरा का पूरा आपका एवरेज है और ये पूरा का पूरा 1.47 मिलियंस व्यूज़ हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात मैंने आप लोगों के लिए की है वो पता है क्या है, मैंने इसमें टॉपिक डिवाइड कर दिए, उन टॉपिक का टाइमर दे दिया है। जब आप यहाँ टाइम के बगल में क्लिक करोगे ना तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे खुल के आ जाएगा। ये इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, जो मैं आपको भी इंक्लूजन पढ़ा रहा था वो यही वाला इंक्लूजन था, वो भी है। फिर उसके बाद मेरे भाई ये रिप्लेसमेंट भी है, फिर ये एक्सक्लूजन भी है, सारी बातें मैंने आपको पूरा का पूरा जो है ये कंप्लीट करा रखा है। तो अगर आपको कंप्लीट एवरेज पढ़ना है तो आपको इतना जो है यहाँ पर ये यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च करिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, उनमें जो नहीं मिलेगा वो मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे कहने का मतलब क्या है, आपको वो भी वीडियो देखना है और आपको ये भी वीडियो देखना है। ये इसीलिए देखना है क्योंकि आज के क्लास में सारे लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो उस वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक्सक्लूजन ना पढ़ के हम रिप्लेसमेंट पढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट पर मेरे भाई क्या होता है कि किसी व्यक्ति को हमने किसी के साथ रिप्लेस कर दिया। अब उस केस में हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम आपको रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन दें, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम आपको रिप्लेसमेंट का ये वाला क्वेश्चन देते हैं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, और ये हमारा सीजल 7/12/2022 में पूछा गया सवाल है। क्या कहा, 12 व्यक्तियों के एक समूह में से 58 किलो वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है और इनके औसत वजन में 3.5 किलो की वृद्धि होती है, नया व्यक्ति का औसत वजन क्या है। सिंपल सी बात है यहाँ पे, यहाँ भी देखिए, एवरेज वेट ऑफ ए 12 पर्सन इंक्रीजेज बाई 3.5 kg, ठीक है। व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ ए, ठीक है, देम वेटिंग 58 kg। कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति को हम बाहर भेजते हैं, उसके जगह पे हम नए व्यक्ति को लेके आते हैं। वही तो बोला है कि 12 व्यक्तियों में 58 वाले को हम बाहर भेज देते हैं, उसके जगह पे नए को लाते हैं, और इसके चलते औसत वजन में 3.5 किलो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में ये बात कही थी कि अगर कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनमें से हम किसी को बाहर कर दें और उसके जगह पे अगर हम किसी को लेकर आएँ तो वैल्यू हमारी बढ़ सकती है, घट सकती है। यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या हो गया, बढ़ गया है, तो नया व्यक्ति का वजन बताना है, ठीक है। इस सवाल को एक तो हो गया कि बेसिक से आप बनाएं और दूसरा हो गया कि आप इसके स्मार्ट अप्रोच पर काम करें। हमारा धर्म है, हम आपको दोनों बताएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक से हम इस सवाल को कैसे करते हैं। तो अगर हम इस सवाल का बेसिक जानते हैं तो जैसे यहाँ पर क्या कहा गया, एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इंक्रीजेस बाई 3.5 व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ देम वेइंग 58 kg, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ द न्यू पर्सन, या बेसिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, बेसिक से चलो बता ही देते हैं यार। देखो बेसिक में ऐसा है मेरे भाई कि 12 व्यक्तियों के समूह का, मान लो कि 12 लोग हैं और 12 लोगों का अपना कुछ ना कुछ औसत है,
ऐसे मान के चलते हैं कि उनका सम कितना हो गया, तो उनका सम मेरे भाई हो जाएगा 12 इंटू एक्स। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो उनका जो है अगर बेसिक से ही हमें जाना है तो हम बेसिक से ही जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक से अगर हम जाएंगे इस सवाल में तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, टोटल कुल मिला के 12 लोग हैं, तो हम यहाँ पर उनका सम बोलते हैं 12 इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति यहाँ पर 58 किलो का बाहर निकलता है, तो जो बाहर निकलता है उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाहर निकलने वाले को माइनस कर देते हैं, उसके जगह पे एक व्यक्ति नया आ रहा है, तो नया वाला व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, एन मान लेते हैं, ठीक है। टोटल 12 लोग थे, एक गया और एक आ गया, तो कुल मिलाकर 12 लोग हो गए। और इनका जो औसत है ना, वो हमारा यहाँ बोला गया है कि औसत वजन में 3.5 किलो की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत कितना था, एक्स था, अब हमारा कितना हो जाएगा, तो 3.5 किलो, यानी एक्स प्लस 3.5 किलो। आप देखते चलो बेसिक से इसका कितना वाहियात सॉल्यूशन बनेगा, देखते चलो पहले, ठीक है। पहले औसत x था, 12 लोगों का वजन, तो 12 इंटू एक्स, उसमें से जो निकल गया घटा दो, जो आ गया जोड़ दो, और डिवाइड कर दो टोटल के टोटल लोगों में, ये बराबर हो जाएगा हमारा नया वाला औसत के। अगर आप यहाँ बनाओगे तो बोलोगे 12 इंटू एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 12x, माइनस हमारा हो जाएगा 58, प्लस हमारा हो जाएगा n बराबर 12 इंटू एक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12x हो जाएगा सर। और 12 से अगर हम इसे गुना करेंगे तो 12 को 3.5 से गुना करो, 12 का 3 गुना 36, 12 का आधा 6, तो 36 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आपका ये पूरा का पूरा टर्म इसके साथ मेरे भाई ख़त्म हो जाएगा, और n की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आएगी, तो -58 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो n की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब ये बेसिक में चलो ज़्यादा कैलकुलेशन रहा तो नहीं, लेकिन समझने के लिए काफ़ी कठिनाई है यहाँ पर, सच में समझने के लिए काफ़ी कठिनाई है। मैं बोलता हूँ यार इन चीज़ों को बंद करो, इस तरीके से मत करो, आपको मैं एक तरीका नया सिखाऊंगा, आपको वो लगाना है, और यहाँ पर ये सारे के सारे सवाल जो हैं वो आपके बनते चले जाएंगे। सॉरी, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा है यहाँ पर कि नया वाला मेंबर बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज, या फिर हमारा हो जाएगा डिक्रीज, और इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई, तो इंटू यहाँ पर कर देंगे फाइनल मेंबर, सीधा सही हिसाब किताब है, ठीक है। बढ़ गया तो बढ़ा देना, घट गया तो कम कर देना, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखो सवालों में, तो 12 व्यक्तियों के औसत वजन में 58 वाला व्यक्ति जो है एक बाहर जाता है और उसके जगह पे नया वाला आता है, तो सीधा सवाल है, नया वाला बराबर पुराना वाला जो गया वो कितने का गया, तो 58 का, ठीक है। उसके जाने के बाद और उसके नए जगह पर आने के बाद वैल्यू हमारी बड़ी है कि कम हो गई है, तो बोलोगे 3.5 किलो का वृद्धि हुआ है, 3.5 किलो का वृद्धि हुआ है, बढ़ गया है तो इंक्रीज हुआ है, और कितने का हुआ है, तो 3.5 का इंक्रीज हो गया है, और इंटू क्या करेंगे, फाइनल मेंबर, अब मिलाकर कितने लोग हैं, तो 12 लोग थे, एक गया और एक आ गया, यानी अभी भी कितने लोग हैं मेरे भाई, तो 12 लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं, तो 12 लोग हैं। तो अगर हम सही मायने में देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 58, ठीक है, और 12 का 3 गुना 36, 12 का आधा 6, तो 58 और 36 और 6 42, यानी कुल मिलाकर कितना, तो 100 किलो हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। सर आपका बैच लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट रुक जाओ, बैच के बारे में भी डिटेल में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर गुरुकुल वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कल सुबह कर लीजिएगा मेरे भाई, इस समय बेचैनी क्या है, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं, यहाँ पे सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, CGL 5 दिसंबर 2022 में पूछा गया, और मैं आपको जितने भी कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस पे आपके अप्लाई हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीजल वैरियर बुक के हैं, और आप देखेंगे तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने उसमें दिया हुआ है, और जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा वहाँ अप्लाई हो रहा है। देखो, 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलो कम हो जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति 150 किलो वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है, नया व्यक्ति का वजन बताओ। एक बच्चा बड़े प्यार से, बड़े आराम से, उसको पता है फॉर्मूला क्या लगाना है, बोलेगा सर देखिए, नया बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज, या फिर हो जाएगा डिक्रीज, और इनटू कितना हो जाएगा, फाइनल मेंबर। बहुत ही सिंपल, ठीक है। 5 पुरुषों का होता है जो 3 किलो कम हो जाता है, वैल्यू हमारी कम होती है कि बढ़ती है, तो बोलोगे कम हो जाती है, कब, जब 150 किलो वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो नया वाला का बराबर क्या हो जाएगा, जो गया है कमरा छोड़ के, उसकी वैल्यू कितनी है, 150,
ठीक है, उसके चलते वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, तो बोलोगे सर 3 किलो कम हो जाता है, वैल्यू हमारी 3 किलो कम हो जाती है, तो यहाँ कम होगा तो माइनस कितना 3 किलो, और अब कितना लोग है, तो पहले भी 5 लोग थे, एक गया एक आ गया, यानी अभी भी 5 लोग है, तो लोगों की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इंटू फाइनल मेंबर कितना कर देंगे 5, तो 150 में से 15 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा 135। बस मेरे भाई इतना ही करना था, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। समझ गए यहाँ पे, क्लियर है, मजा आ रहा है, लाइक वाइक करके बताओ भाई। सर आपकी वीडियो ब्लर दिखती है, क्वालिटी बढ़ाओ। चलो भाई पता कराता हूँ क्या सिस्टम है, पता नहीं जिस दिन से इसमें क्लास ले रहा ना आदमी ग्रहण सा लग गया, बताओ कभी तबीयत खराब, कभी स्टूडियो खराब, कभी कुछ खराब, बड़ी दिक्कत होती है यार। सर CHSL का कट ऑफ इतना गया है, हाँ भाई मैंने कहा था कि मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। देखो एक छोटी सी बात को जानो, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा CGL 2022 का और CHSL का मुझे कट ऑफ देख के कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। कारण कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, वैकेंसी का कम होना CHSL में उसके कट ऑफ का सबसे ज़्यादा हाई होने के बात के बराबर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि CHSL में इसके पहले इतनी ज़्यादा वैकेंसी गई नहीं है। मैं आपको एक CHSL का वैकेंसी सॉरी इसकी इसके पहले CHSL में इतनी ज़्यादा कट ऑफ कभी गई नहीं है, गई है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके पहले नहीं गया। लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पर पहले कब ऐसा हुआ और यहाँ पर पहले कितना कट ऑफ गया। लेकिन उस चीज़ को भी बच्चों लोगों ने टैकल किया, बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया, पढ़ाई की मन लगा के। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं CHSL 2020 के बारे में ही बात करूँ कि 2020 का हमारा कट ऑफ कितना था, मैं बहुत साल पहले जा ही नहीं रहा, ठीक है, और यहाँ पर जो है CHSL 2020 प्री कट ऑफ, यहाँ पर ये कट ऑफ टीयर 1 यहाँ दिया हुआ है। और यदि आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो थोड़ा तरीके से देखिए कि इसकी कट ऑफ जो गई है वो हमारी कितनी गई थी उस समय, भी यहाँ पर जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी 157, ठीक है, OBC की कट ऑफ कितनी गई थी 153। यहाँ पे मैं अभी की नहीं बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपको उस समय की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो EWS हो गया, OH हो गया टोटल, और तब भी मेरे भाई 40,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, 40,224। अच्छा नहीं ये टीयर 3 क्या है क्या, रुक जाओ यहाँ पे एक सेकंड, ये हमारा 2023 का इन्होंने दिखा दिया, एक सेकंड, रुक जाइए, 2023 का है, मैं ये वाला आपको ओपन करके दिखा रहा था, ये वाला, ठीक है, एक सेकंड, इन लोगों ने तो फर्जीवाड़ा कर दिया भाई, ठीक है, मैं आपको ऑफिशियली खोल के दिखा देता हूँ, ये 2020 का है, नहीं 2020 नहीं चलेगा, एक सेकंड मुझे थोड़ा सबक दीजिए आप लोग। SSC has released the cut off on 15 जनवरी 2021, ये वाला है मेरे भाई टोटल ये, बट ये दिखा नहीं रहा है ना, दिक्कत ये भी है। CHSL 2021 का हम कट ऑफ खोज रहे हैं, और 2021 में भी कट ऑफ गया है, ऐसा नहीं है CHSL 2021 में भी है, 2020 में भी है, ये पूरा दिखा नहीं रहा है। तो बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, देखो यहाँ पे 2021 की भी अगर आप कट ऑफ की बात करो तो भी OBC का कट ऑफ 140 रहा है, उसके पहले 2020 की भी बात करो तो भी मेरे भाई कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा रहा है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि सर ये पहली बार ही कट ऑफ इतनी ज्यादा गई है, ठीक है, इसके पहले भी कट ऑफ हमारे बहुत ज्यादा गए हैं और लोग उसको भी टैकल किए हैं, ठीक है। हाँ देखो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है टीयर 1 कैटेगरी कट ऑफ पता नहीं आ रही है क्या दिखा रहा है, मतलब एग्जैक्ट आना चाहिए, सिर्फ 2023 दिखा रहा है, ठीक है, अगर कुछ हमें इमेजेस मिल जाए। एक हमारे पास ये रीसेंट का हमारा कट ऑफ है, देख लो जैसा कि मैं आपको कह रहा था 2020 वाला,
2020 में अगर आप देखोगे तो 159 मार्क्स गए थे और ओबीसी के 156 गए थे और 44,856 लोग अवेलेबल हुए थे। तब भी मैं कह रहा था ना कि इसके पहले भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ नहीं है। आप यहाँ पर देखो, ये आपका यूआर का है, ये आपका ओबीसी का है, तो इसके पहले भी कट ऑफ ज़्यादा गई, लेकिन बस रीज़न क्या था? एक, चलो नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर हो जाता है कि किसी को नॉर्मलाइजेशन मिलता है, इसकी वजह से मेरे भाई कट ऑफ ज़्यादा जाती है, बट अकेला रीज़न नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता, कई सारे कारण होते हैं। पहला रीज़न नॉर्मलाइजेशन है, दूसरा रीज़न हमारा वैकेंसी का कम होना है, और तीसरा रीज़न वाकई में इतना मान कर चलना पड़ेगा कि अब कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, अब वाकई में जो बच्चे पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना मेरे भाई यहाँ पे, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा दम है, ज़्यादा यहाँ पर तैयारी और पोटेंशियल के साथ है। 60% तो पेपर में रिपीटर पेपर को दे रहे हैं, यानी वो लोग हैं जो पिछली बार सिलेक्शन ले चुके हैं और उसके बाद दोबारा से वो फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को, अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग बहानों को ढूंढ के और तब तैयारी करने का सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप इन क्वेश्चंस में फंस रहे हैं और यहाँ पर आज के समय जो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट है ना, वो इनको उड़ा के फेंक चुका है, वो नए क्वेश्चंस की तलाश कर रहा है, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तलाश कर रहा है। तो इस बात पर थोड़ा सा आपको आना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा और ऊपर आकर सीखना पड़ेगा। अपनी मेहनत को थोड़ी दोगुनी तीनगुनी करनी पड़ेगी, थोड़े से और घंटे लगाने पड़ेंगे और किताबें पढ़नी पड़ेंगी और क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करना सीखो भाई डेली। इतना अगर एक बच्चे ने कहा कि लग रहा है सुसाइड करने का नौबत आ गया है हमारा, ना इसमें हुआ ना उसमें हुआ ना उसमें, नेगेटिव नहीं होना। ठीक है, कोई पेपर नहीं हुआ तो उसके लिए सुसाइड या ये चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, बड़े आराम से मेरे भाई तैयारी करो अपनी। ठीक है, एक पेपर में नहीं हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ है, हो सकता है जिनका सिलेक्शन है वो आपसे ज़्यादा होनहार थे, आपसे ज़्यादा काबिल थे, उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत की थी। बस आपको यहाँ पर ये करना है कि अपने आप को उनसे बेहतर करना है, ताकि वो जो पोस्ट है दूसरा कोई लेकर गया है, वो मेरे भाई वो ना लेकर जाए, आप लेकर जाओ। तो बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना है, मेहनत करते चलना है, अपने एंड पर कोई कमी नहीं छोड़ना है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगी, समझ रहे हैं आप? चलिए, अब हमारा एक क्वेश्चन है मेरे भाई रिप्लेसमेंट में। जैसे मान लो रिप्लेसमेंट का मैं आपको एक क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट में एक हमारा टाइप आ जाता है रॉन्गली एंटर्ड करके। ये सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर दिया गया, इसके कारण कक्षा का औसत में हमारा 1/3 की वृद्धि हो गई है, कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? जो मैंने आपको रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया, जो मैंने आपको इंक्लूजन का फॉर्मूला दिया, जो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूले दिए हुए हैं मेरे भाई, वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। आपको उस सवाल को तोड़ के उस भाषा में लेके आना है। जैसे ये सवाल है, एक बच्चे के नंबर गलत तरीके से 65 के जगह पर 45 एंटर हो गए। ठीक है, एंटर्ड एज 65 इंस्टीड ऑफ 45। ठीक है, कितना एंटर हो गया? 65, और होना कितना था? 45। इसकी वजह से जो उसका एवरेज मार्क्स है वो बढ़ गया, इसकी वजह से एवरेज मार्क्स जो है वो मेरा बढ़ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे क्लास में कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे क्लास में कितने हैं? एक छात्र के अंक में 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर दिया गया और इसके कारण हमारा औसत अंक जो है वो इतने में वृद्धि हो गया। मैं आपको जो है कई सारे पॉइंट यहाँ बता सकता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, बेसिक से भी, फॉर्मूले से भी और सौ कहानी, बट मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊँगा। नया वाला बराबर पुराना वाला, उसके बाद प्लस या माइनस इंक्रीज या मेरे भाई डिक्रीज, और इंटू कितना हो जाएगा? फाइनल मेंबर हो जाएगा। आप मुझे एक वक्त बताओ, पहले हमारा वैल्यू कितना था? 45, और उसके जगह पर गलती से हमने कितना दर्ज कर दिया? 65। ठीक है, तो पहले वाले वैल्यू हमारी कितनी थी? तो 45 थी। नया वाला वैल्यू हमारा कितना है? तो 65 है। और ऐसा काम हमने किया है, उसके बाद कक्षा का औसत अंक 1/3 में वृद्धि हो गई है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है ये बताना जरा। तो बोलोगे सर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो प्लस कितने लोगों में? तो 1/3 में। और इंटू कितना? फाइनल मेंबर। तो लोगों की संख्या को कितना मान लेते हैं? तो एक्स मान लेते हैं। लोगों की संख्या को कितना मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। रिप्लेसमेंट ही तो हुआ है, एक 45 वाले डेटा को निकाल के गलती से उसके जगह पे 65 डाला गया है। पुराना वाला 45 है, नया वाला 65 है। इंक्रीज है कि डिक्रीज है? तो जो भी है इंक्रीज 1/3 का एक्स पे। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 65 से 45 को घटा दीजिए तो 20 आ जाएगा, और ये 20 हमारा 1/3 इंटू एक्स हो जाएगा। 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितने लोग हैं टोटल? तो 60 लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा।
इससे आसान और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेके? इससे आसान और कुछ भी नहीं। आप इस कंसेप्ट को, मेरे इस फॉर्मूले को जो है और रिप्लेसमेंट में भी मेरे भाई लगा सकते हैं यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, सारे रीसेंट क्वेश्चन आपके। सीजीएल 20 अप्रैल 2022, ठीक है, क्या कहा गया सवाल में? एक कक्षा में अंग्रेजी के परिणाम फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज कर दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक में इतने की वृद्धि हो गई, कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? वाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ इंग्लिश ऑफ ए क्लास, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट गॉट रिकॉर्डेड एज इतना इन प्लेस ऑफ इतना। तो ये हमारा पुराना डेटा है और ये हमारा मेरे भाई नया डेटा है, ठीक है। और इसके चलते क्या हो गया? तो इसके चलते इंक्रीज कर गया स्कोर, कितने से? 0.95 से। तो बताओ बच्चे कितने थे? एक बच्चे को क्या चाहिए होता है मेरे फॉर्मूले में? वो यही बोलता है कि सर आपका फॉर्मूला ये कहता है कि नया बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज या फिर डिक्रीज और एन टू कितना फाइनल मेंबर, ठीक है। जो हमारा नया डेटा है, मतलब जो हमने एंटर किया है, वो 95 है। जो हमारा पुराना डेटा था वो हमारा कितना है? 57 है। और ऐसा करने के कारण हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? तो इंक्रीज हुई है। तो प्लस यहाँ कितना बोलेंगे? 0.95। और इंटू फाइनल मेंबर कितना? यानी जितने बच्चे थे क्लास में, पहले जितने थे आज भी उतने ही होंगे क्योंकि रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 95 में से इतना माइनस कर दो 38, ये बराबर हो जाएगा कितने के? 0.95 इंटू एक्स के। दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 19 से अगर आप काटोगे दो बार में, 19 से काटोगे पांच बार में, पांच से काटोगे तो 20 बार में, 20 इंटू दो हमारा कितना हो जाएगा? 40। ये हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। यानी कितने लोग हैं? तो मेरे भाई 40 लोग हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हमने आपको एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले के ऊपर आप देखते चलो, आपका इंक्लूजन का भी सवाल बना, आपका रिप्लेसमेंट का भी सवाल बना, और आपका यहाँ पर सॉरी। अब मैंने कहा कि यार इस पे थोड़ा ना अपर लेवल का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया। जैसे यहाँ पर है ना, आप अब तक एक व्यक्ति को रिप्लेस कर रहे थे, अब थोड़ा एक से ज्यादा लोगों को रिप्लेस कराओ। एक व्यक्ति में कक्षा के 25 छात्रों के औसत अंक 19 था, बच्चे कितने थे? 25, औसत कितना था? 19। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों को जो अंक है वो 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 कर दिए गए हैं। कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात करिए कि कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक कितना होगा। पहले हमारा कुछ और औसत था, हमारे तरफ से गड़बड़ी हो गई। अब हमारे तरफ से गड़बड़ी हो गई तो उसमें क्या होगा? औसत हमारा बढ़ेगा या औसत हमारा कम होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बच्चे कह रहे हैं सर नहीं दिख रहा है। मेरे भाई नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा लाइट वाइट कम करता हूँ, देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक बार, थोड़ी सी लाइटिंग हमने कम की है, ठीक है। बाकी कल मैं पीपीटी को थोड़ा और बढ़िया करवा दूंगा, क्योंकि पीपीटी में दिक्कत ही है, हर बार जो मैं क्लास लेता हूँ तो उसमें कंटेंट बोल्ड रहता है। पहली बार ये अनबोल्ड कंटेंट है क्योंकि सीधा हमने सीजीएल वैरियर वाली बुक को यूज़ किया है और उसमें जो कंटेंट है वो अनबोल्ड है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो एक परीक्षा में जो है वो कक्षा में 25 छात्रों का अंक हमारा इतना था, उसके बाद शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों का अंक इतना तथा इतना जो है उसके बजाय गलती से 18 और 19 हमारा हो गया है, ठीक है। 18 और 19 हमारा हो गया है। कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए कि नया वास्तविक औसत अंक हमारा कितना होगा। मैंने कहा ठीक है यार, इस बात को समझो, हमने पुराने लोगों को निकाला और उसके जगह पे कुछ नए लोगों को लेकर आए, और इसके चलते औसत हमारा बढ़ेगा कि घटेगा हम वो देख लेते हैं। सेम अपने फॉर्मूले पर रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बात करेंगे। तो नया बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज या फिर हो जाएगा हमारा डिक्रीज और इनटू कितना हो जाएगा फाइनल मेंबर यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारे पुराने डेटा थे वो हमारे कितने थे? तो 14 और 15 थे कि नहीं थे यहाँ पे? ये हमारा पुराना डेटा था। तो पुराने डेटा का सम देखो, तो पुराने डेटा का सम 14 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा? तो पुराना वाला हो जाएगा 29 मेरे भाई। उसके बाद उसके जगह पे जो आपने रिप्लेस किया है उनका सम देखो, 18 और 19 हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर
35 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पुराने वाले का सम है, ये नया वाले का सम है, ये इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है मुझे नहीं पता, तो मैं एक्स मान के चलता हूँ कि मान लो अगर एक्स पॉजिटिव में आया तो इंक्रीज़ होगा और नेगेटिव में आया तो डिक्रीज़ होगा। इनटू फाइनल मेंबर, पहले क्लास में कितने छात्र थे? 25, दो को निकाला, दो को लेकर आए, तो हमारे मेंबर कितने हो गए? तो बोलोगे सर आज भी हमारे मेंबर 25 हैं, ठीक है। 37 में से 29 चला गया, तो बोलोगे सर 8 बराबर कितना हो जाएगा? 25x मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो तरीके से देखो, ये 25 को नीचे लेके आओ तो 8/25 जो हो जाएगा वो तुम्हारा x हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर किसी भी संख्या को 25 से भाग करते हैं, बहुत आसान है, उसका 4 गुना करिए, 4 गुना हो जाएगा 32, और दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आ जाएगा। यानी आप यहाँ बोलेंगे कि सर वैल्यू हमारी इतने से बढ़ गई है, वैल्यू हमारी इतने से मेरे भाई क्या हो गई है? बढ़ गई है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो गई है सर? इतने से हमारी औसत बढ़ गई है। अब यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा वो हम आपको देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि पहले हमारा औसत था, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर बोला है ना कक्षा का नया और वास्तविक औसत अंक ज्ञात करिए, ठीक है। एक सेकंड, कक्षा में महसूस किया गया कि दो छात्रों के अंक इतना के बजाय गलती से 18 और 19 कर दिए गए हैं, नया तथा वास्तविक औसत हमारी ज्ञात करिए। तो हमारा जो डेविएशन आया है दोस्त यहाँ पे, वो डेविएशन हमारा कितने का आया है? तो 0.32 का आया है। ये डेविएशन हमारा कितने का आया है? तो 0.32 का हमारा डेविएशन आया है। अब इस डेविएशन के साथ हम यहाँ क्या करते थे, ज़रा आप यहाँ पर देखो, हर बार इसके नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में जो आप देखना चाहोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक सेकंड, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, तो अगर हम यहाँ पर जो है ना करेक्ट आंसर लेकर आना है, तो जी हाँ बिल्कुल, हमें अपना आंसर लेकर आना है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले औसत हमारा कितना था? 19 था, और उसमें से जो है हमारा डिवीजन इतना माइनस कर दो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 18.68 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। रीज़न हम आपको बता देंगे कि ऐसा क्यों होगा। देखिए पुराने औसत में आप बोलेंगे सर डेविएशन तो आपका प्लस में आया, बिल्कुल मेरे भाई डेविएशन मेरा प्लस में आया, वो कैसे होगा देखो, पुराना औसत मेरा कितना था? तो पुराना औसत मेरा 19 था मेरे भाई, समझ गया मेरी बात को यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, ये बराबर होगा मेरे भाई नया वाला औसत प्लस कितने के? 0.32 के, उसमें से घटा देंगे तो हमारा नया वाला औसत निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से बता देता हूँ, आपके लिए वो ज़्यादा और आसानी रहेगा, ये सारे झंझट को हटा के। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूले से थोड़ा कम समझ में आए तो आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी डेविएशन होता है ना, आप उसको एक बार देख लीजिए कि आपका डेविएशन में क्या फ़र्क आ रहा है। जैसे अगर इस सवाल को बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक भी देख लीजिए और डेविएशन भी देख लीजिए। एक क्लास में हमारे क्या हैं, तो एक परीक्षा के कक्षा में 25 छात्रों का औसत अंक हमारा इतना था, तो उनका नंबर कितना था? तो बोलोगे सर उनके पास 25 × 19 थे हमारे। उसके बाद कहानी क्या हुई, शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों का अंक इतना और इतना के बजाय गलती से इतना और इतना जो है उसने अंक कर दिया है। तो अगर मैं शिक्षक हूँ तो मैं अपनी गलती को सुधारूंगा तो मैं क्या करूँगा, गलत डेटा को माइनस करूँगा। तो मैं इसमें से गलत डेटा यानी 18 को और गलत डेटा यानी 19 को माइनस करूँगा और उसके जगह पे सही डेटा को रखूँगा यानी 14 और 15 को रखूँगा। और फिर उसके बाद ये जितने बच्चों का औसत है ना, अगर ये 25 बच्चों का औसत है तो 25 बच्चों में भाग कर दूँगा ताकि मेरा क्या निकल के आ जाए, तो नया औसत निकल के आ जाए। ताकि मेरा क्या निकल के आ जाए, तो मेरे भाई यहाँ पर नया औसत निकल के आ जाए। सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे 25 से इसको भाग करिए, तो ये आपका 25 से 25 ख़त्म, यहाँ कितना बचेगा? 19 बचेगा। उसके बाद मेरे भाई आप ऐसे कर लो यहाँ पे कि थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ करना क्या है। तो आप बोलोगे सर 25 × यहाँ पर 19 और ये हो जाएगा 18 और 18 36 और 137 -37 यहाँ पे, और ये हमारा कितना हो जाएगा? तो प्लस हमारा 29 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई? तो 25 हो जाएगा, जो मैं आपको कह रहा था क्यों माइनस होगा। अब 25 मेरे भाई इसको भी भाग करेगा, 25 मेरे भाई इसको भी भाग करेगा, -37 + 29 को हम यहाँ कितना लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम -8 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? तो -8। 25 ने इसको भाग किया तो यहाँ 19 आ गया, और 25 ने इसको भाग किया तो -8/25 आ गया।
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 19 माइनस 8 को 25 से भाग करेंगे तो 0.32, यानी मेरे भाई ये 18.68 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, 18.68। तो वही बात यहाँ पर जो है ना, आज के बाद ऐसे सवालों को क्या करना है, सिर्फ जितने का आपका डेविएशन होगा, देखो लास्ट में ये 19 का कोई रोल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं ऐसे सवालों को ऐसे भी बोलता हूँ कि तुम्हारा डेविएशन जितने का है बस उस पर नज़र गड़ाओ और उसके आधार पर सवाल बनाओ। डेविएशन कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, डेविएशन कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर बहुत सिंपल सा है कि आपको इस सवाल को और शॉर्ट में बदला जा सकता है। इस सवाल में जो है गलत डेटा को माइनस करो, ठीक है, अपनी गलती सुधारो, यानी गलत डेटा 18 है और गलत डेटा 19 है तो उसे माइनस करो, उसके जगह पे सही डेटा को प्लस करो। तो सही डेटा तुम्हारा 14 है और 15 है, उसको प्लस करो और ये जो भी डेविएशन आएगा सभी बच्चों में भाग कर दो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास, तो 25 है, सब में भाग कर दो। अब यहाँ देखो तो ये 37 है और ये 29 है, यानी -8 अपॉन कितना 25, यानी ये कितना हो जाएगा -0.32। तो मेरे भाई जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो बोलोगे सर पहले औसत 19 था उसमें इतने की कमी आ गई, तो हमारा आंसर जो हो गया वो 18.68 हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है, सिंपल सा हिसाब किताब है। ये जो रॉन्गली एंटर्ड वाला होता है ना सीन, उसमें क्या होता है, गलत डेटा माइनस सही डेटा प्लस डिवाइडेड बाई टोटल, और यहाँ पर आ जाएगा डेविएशन, और फिर उसके बाद इस वैल्यू में से डेविएशन माइनस करेंगे आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चंस को मैंने कई सारे तरीके से आपको बताया हैं और आप इस सवाल को मेरे भाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलेंगे हम आपको अगले सेशन में। और यहाँ पर जो है सबसे पहले बता दूं तो देखो प्रशांत सर की एक सबसे जबरदस्त किताब अभी रिसेंट में हमारी लॉन्च हुई है, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, और अच्छा लग रहा है बच्चे बढ़िया तरीके से इसको पढ़ भी रहे हैं, तो आप भी इसे ऑर्डर करिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। एक ही किताबों के अंदर मेरे भाई तीनों मिलेगा, PQRS भी, क्लोज टेस्ट भी, पैसेज भी, तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, पढ़िएगा जरूर मंगा के, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर अवेलेबल है। इसके अलावा जितने बच्चे बैच के बारे में पूछ रहे हैं, दो तरह के बैच होते हैं मेरे भाई, एक मेरा रिकॉर्डेड बैच होता है और एक मेरा लाइव बैच होता है। यूट्यूब पर थोड़ा समय कम रहने के कारण बहुत सारी चीज़ें बताना तो होता है लेकिन नहीं बता पाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए सारी बातें जो है आपको बैच में मिल जाती हैं। अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेंगे तो इसकी फ़ीस हमारी 699 है, लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलती है, ऐसा भी नहीं कि ख़त्म हो जाएगा एक दिन, दो दिन, चार महीने, छः महीने, आठ महीने में नहीं, मोबाइल का रिचार्ज एक महीने में ख़त्म होता है, ये बैच की वैलिडिटी कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। और इसमें आप लाइफ टाइम पर एक्सेस कर पाएंगे 350 से ऊपर वीडियोस को, PDF को, और सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है, बहुत शानदार तरीके से आप इससे पढ़ सकते हैं। करना क्या होगा, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहां से आप इस रिकॉर्डेड बैच में एनरोल कर पाएंगे। कोई भी तरह की इंक्वायरी होगी मेरे भाई, ये दो नंबर दिए गए हैं, इन पर इंक्वायरी पर फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, हर क्लास की एक प्रॉपर आपको वीडियो मिलती है, उसका PDF मिलता है और उसका टेस्ट भी एप्लीकेशन पर ही मिलता है। जिस तरीके से मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच है, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर हमारा लाइव बैच भी है। ये चैंपियंस लाइव बैच जो है हमारे एप्लीकेशन पर डेली चलता है, नया बैच अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है 9 तारीख को, और इसके अंदर जो टॉपिक्स भी हैं अभी हमारा जो है राइट नाउ अरिथमेटिक चल रहा है, डेली इसमें लाइव क्लासेस होती हैं, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। वैलिडिटी 2 साल की है और इसमें भी कंप्लीट मैथ स्पेशल आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आपको एनरोल करना है, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और यहाँ पर इस इंक्वायरी नंबर पर बात करनी होगी। जिस तरीके से मेरा मैथ स्पेशल है, वैसे ही मेरे भाई सभी सब्जेक्ट के भी कॉम्बो है, मैथ स्पेशल हो गया, रीजनिंग स्पेशल हो गया, इंग्लिश स्पेशल हो गया, GS स्पेशल हो गया, और अगर आप इन सभी स्पेशल्स को ना लेके सबसे बढ़िया अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 2500 रुपये में चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तैयारी करने को, तो ये एक बहुत बढ़िया फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो आप इस बैच में एनरोल करिए और अपने आप को और बेहतर बनाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए, और साथ में जो मैंने आज पढ़ाया है उसकी PDF आपको आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हमारे ये दोनों टेलीग्राम है, रैंकस गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, तो आप यहाँ से वीडियो को PDF को डाउनलोड करके अपनी अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।